हेलो जी, नमस्ते, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। जब से मैं गैंगटॉक ट्रिप पे गया था तब से एक मोटो व्लॉग का बहुत दिन से मैं सोचा था कि एक मोटो व्लॉग करूंगा, कोई लॉन्ग राइड करूंगा, बट ऐसा मौका नहीं मिल रहा था। बट एक सडनली मेरे को न्यूज़ मिला कि गांव में एक फैमिली फंक्शन होने वाला है, तो भाई अब रांची से पटना का एक राइड हो जाएगा मेरा। तो बस आज सुबह सुबह हम लोग रांची से निकल गए थे राइड के लिए। हमारे फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं, कुछ लोग ट्रेन से गए हैं, कुछ लोग फोर व्हीलर से आ रहे हैं। तो हमारे पीछे मैं मॉर्निंग में ही अपने बाइक से एवेंजर 220 स्ट्रीट्स में मॉर्निंग में ही निकल गया था, और अभी एक्चुअली मैं बरही पहुंचा हूं। तो बरही में पहुंच करके मैं करीब आधे घंटे से मैं रेस्ट कर रहा हूं यहां पे, और हमारे गोप्रो का बैटरी लो हो चुका है, तो गोप्रो का बैटरी मैं चार्ज कर रहा हूं अपने बाइक में यहां पे। कुछ देर गोप्रो का बैटरी चार्ज करते हैं, जब तक चार्ज हो जाता है आप मेरे वीडियो शुरू से देखो। मेरा निकलने का जो प्लानिंग था ना वो करीब 5 बजे का था, बट मैं 6:30 बज चुका है और मैं काफ़ी लेट भी हो गया हूँ। और हर बार मेरे साथ यही होता है यार, जब भी मैं राइड पे जाने वाला होता हूँ ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा लेट होने लग जाता है, और इवन रात में ठीक से नींद नहीं आती है। एक अलग सा एक्साइटमेंट होता है कि मैं लॉन्ग राइड पे जा रहा हूँ। एवेंजर से मेरा फर्स्ट ये लॉन्ग राइड होगा। ये खेलगांव चौक है, तो यहाँ से मेरे को लेना है राइड, तो यहाँ से करा लेते हैं टैंक फुल, क्योंकि मेरे टैंक में पेट्रोल नहीं है, मेरे गाड़ी की टैंक में पेट्रोल नहीं है। तो अभी यहाँ से करते हैं फुल, और फुल कराने के बाद यहाँ से जर्नी स्टार्ट करेंगे। और फुल कर दीजिए भैया, 800 रुपये का हो गया फुल टैंक अपना। और ये है रामगढ़ टोल गेट, अपने को इधर से साइड से निकल जाना है। बाइक का यही तो मज़ा है यार कि कहीं भी जाओ तो कहीं टोल देना ना पड़े, और आराम से आप किधर से भी निकल सकते हो, पतली पतले गलियों से, छोटे छोटे रास्ते से निकल सकते हो। मेरा गोप्रो ने यहाँ पे हैंग कर गया था, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉपेज लिया था, गोप्रो का बैटरी निकाला, फिर से उसे डाला, फिर मेरा गोप्रो ऑन हुआ। एक्चुअली मैं गोप्रो ऑन हो ही नहीं रहा था तो ही मैं रुका था, और राइड में पता है ना फ़ोन को पॉकेट में रखना थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल सा लगता है, इसलिए मैं जब भी राइड करता हूँ तो फ़ोन को यहीं पर माउंट कर देता हूँ। ट्रक तो देखो भाई, ओवरलोडेड ट्रक, ऐसा लग रहा है कब गिर जाएगा ऊपर से। ओ भाई साहब, क्या कर दिया है तो कि मेरे को नेविगेशन की ज़रूरत नहीं है, बट मैं यहाँ पे फ़ोन इसलिए माउंट करके रखा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा फ़ोन चार्ज करना था। कल नाइट में मैं कैमरे चार्ज कर रहा था इसलिए फ़ोन चार्ज नहीं कर पाया था। गोप्रो को मैं फ़ोन के अडेप्टर से ही चार्ज करता हूँ, इसलिए मैं फ़ोन चार्ज नहीं कर पाया था, तो अभी बाइक में लगा करके चार्ज करते हुए जा रहा हूँ। एक्चुअली ये रूट में मेरे को देखा हुआ है क्योंकि मैं रांची टू पटना बहुत बार ड्राइव किया हूँ, इवन कार से बहुत बार आना जाना किया हूँ, तो मेरे को रास्ते को लेकर के प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अगर कहीं जाम में फंस गया, ट्रैफिक में फंस गया, तो हो सकता है कोई शॉर्टकट रास्ता लेने के लिए मेरे को नेविगेशन की ज़रूरत पड़े, बट अभी तक से वैसा कोई इस रूट में तो अब तक से जाम में नहीं फंसा हूँ, क्योंकि ये रोड बहुत ही सुंदर है। अब तक से मैं बहुत सारे जगह में राइड कर चुका हूँ, जैसे रांची टू MP भी किया था ना, तो वो रोड बहुत ही गंदा था, बहुत ही ख़राब था, और मैं अभी फ़िलहाल रांची से गैंगटॉक भी गया था तो वो रोड भी उतना भी खास नहीं था, बट ये रोड जो है ना रांची टू पटना वाला रोड, ये नेशनल हाईवे बहुत ही अच्छा है। तो थोड़ा जलपान कर लिया जाए यार, प्यास भी लगा हुआ है। कैसे ग्लास दे रहे हैं चाचा? 20 रुपये का एक ग्लास दे दीजिए। खाली था ना ये वाला, खाली था ना। ओके, सो जलपान हो चुका है, एक्चुअली जलपान पानी नहीं हुआ, लेकिन शुगर कैन का जूस जो होता है वो मैंने पी लिया 2 ग्लास। और यहाँ पे भाई थोड़ा बहुत ट्रैफिक जैसा लग रहा है मेरे को। रामगढ़ के बाद ये हजारीबाग टोल गेट पहुँच गया, और हर बार की तरह मेरे को निकल जाना है साइड से। अरे यार, सब उल्टे क्यों आ रहे हैं इधर से? हजारीबाग के सबसे घना घोर जंगल में, पूरे झारखंड में सबसे घना जंगल इसी जंगल को कहा जाता है, और इसमें बहुत सारे जानवर वगैरह भी होते हैं, और पीछे एक पार्क भी है। उस पार्क में आपको जीप में बैठा करके पूरे जंगल का सैर किया कराया जाता है। कुछ कुछ जानवर होते हैं, उन लोगों को भी देख सकते हो आप।
तो इसका नॉलेज मेरे को नहीं है। इन फ्यूचर कभी आऊँगा यहाँ पे तो आप लोगों को इसका वीडियो भी दिखाऊँगा। और अभी तो कोविड चल रहा था तो कोविड की वजह से सारे पार्क वगैरह झारखंड में बंद थे, तो शायद अब खुल चुका है। तो ये खुलते ही मेरे को जब पूरा टाइम मिल जाएगा, मैं जब इस राइड से वापस आ जाऊँगा तो फिर एक यहाँ का भी प्लान करेंगे। तो आगे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आगे वाले वीडियोज़ भी देखना चाहते हो, यहाँ के वीडियोज़ देखना चाहते हो, हजारीबाग के जंगल का वीडियो देखना चाहते हो, तो भैया चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो एंजॉय कर रहे हो। तो चलो आगे चलते हैं। अभी धीरे धीरे इसी तरह से इस रोड ट्रिप में मेरे साथ एंजॉय करते हुए आप भी। वी हैव रीच्ड बरही। यहाँ से थोड़ा बहुत रोड ख़राब है और ये रोड थोड़े दूर तक ही ख़राब है, उसके बाद तो जीटी रोड आ जाएगा। तो वहाँ से रोड बहुत ही सुंदर साफा, बहुत ही। कहाँ तक जाएंगे भैया? कहाँ पर? बहरा स्कूल। कितने दूर है यहाँ से? यहाँ से पांडवा के आगे है। टीचर है। अच्छा अच्छा, तो भैया को लिफ्ट चाहिए था कुछ दूर तक, तो चलो मैंने सोचा दे देता हूँ। तो यहाँ से रोड कुछ दूर तक ही ख़राब है, आगे ठीक ठाक रोड मिल जाएगा हम लोगों को। ओके, सो होप करता हूँ कि आपको अब तक का वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा गोप्रो का बैटरी चार्ज हो चुका है, मतलब फुल चार्ज तो नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत चार्ज हो चुका है, जो कि यहाँ से कुछ दूर तक चलेगा। एक और मेरे पास बैटरी है, वो बैटरी फिर लगा लूँगा मैं। और यहाँ पे रुकने का दूसरा रीज़न ये भी था ना कि पीछे का लोकेशन आप देख सकते हो ना कितना खूबसूरत है, मतलब खेती वेती जो होता है ना, किसान लोग यहाँ पे रहते हैं, वो चीज़ देख करके मेरे को थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इसलिए भी रुके थे क्योंकि पीछे का लोकेशन थोड़ा अच्छा था। तो आगे का राइड शुरू करते हैं और मिलते हैं आपसे डायरेक्ट मोटो ब्लॉग में। दिस इज़ द बॉर्डर ऑफ झारखंड बिहार। तो मैं पहुंच चुका हूं धोबी और यहां पे भाई मेरे को करना है रेस्ट। यहां पहुँचते ही मेरे को लगता है बिहार पहुँच ही गए। हाँ, एक्चुअल में बिहार तो आ ही गए, बट बिहार वाला फील यहीं से आने लग जाता है। Much later. धोबी में हम लोग एक घंटे तक लगभग रेस्ट किए और भैया जो फैमिली गाड़ी थी वो भी आई। और राधिका अब हमारे साथ जाएगी ना, राधिका बाइक में चलेगी ना? हाँ। थकेगी नहीं ना? मास्क खोलो और सबको हाय करो। हाय। हाँ चलो, तो राधिका अब हमारे साथ जाएगी और जो हमारी गाड़ी थी फैमिली वाली गाड़ी वो आगे निकल चुकी है। बैठ जाओ राधिका। कुछ देर मैंने यहाँ पे अपने GoPro के बैटरी को भी चार्ज कर लिया क्योंकि एक बैटरी जो थी वो पूरा लो हो चुका था। ओके, सो यहाँ से बोध गया लगभग 20 किलोमीटर है और अभी का टाइम हो रहा है लगभग 2 बज चुका है। ये एक वही कार है जिसमें हमारे फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं और सभी लोग उसी में, राधिका भी उसी में थी। तो राधिका अभी अपने पास आ गई है और जब तक ये चाहेगी बैठना यहाँ बैठ सकती है, जब ये अनकम्फर्टेबल लगे तो ये फिर कार में बैठ जाएगी। बोध गया में आते ही एक अलग सा ही माहौल बन जाता है यहाँ पर। अब देखो, लगता ही नहीं कि हम लोग बिहार में आए हैं, एकदम अलग सा ही यहाँ का इन्वायरमेंट है। ये होटल है और यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी रहता है। ये बोध गया का मेन गेट है इधर से। पुलिस पकड़ेगी। पिछली बार जब मैं आ रहा था तो बिहार यहाँ से बोध गया में जब एंट्री किया तो यहीं पे पुलिस वाले ने मेरे को रोका था और कुछ खास नहीं, बस ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह चेक किया और उसके बाद मुझे छोड़ दिया था। तो मेरे को लगा कि आज भी चेक करने के लिए हो सकता है रुकवाए, बट नहीं रुकवाया। आज सिर्फ फोर व्हीलर्स वालों को, जिनका JH का गाड़ी था या फिर BR के अलावा जो तो गाड़ी था, उन लोगों को रुकवाया जा रहा था। इस जगह का नाम बेलागंज है और करीब आधे घंटे से हम लोग इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ का रोड कितना ज़्यादा नैरो है और कितना हैवी व्हीकल्स यहाँ पर घुस चुके हैं। क्या यही रूट ही है जाने का? इस रूट को कभी, मतलब जब से मैं आ रहा हूँ ना यहाँ पे तब से ऐसे ही है, कभी इसका रूट को चौड़ीकरण कभी नहीं किया गया इसको। तो जब भी आया हूँ तब भी यहाँ पे जाम में फंसा हूँ और इवन गया में भी मैं फंस गया था और अभी भी यहाँ पे जाम में फंसा हूँ। तो होप सो जल्दी से ये जाम ओपन हो जाए। और बहुत लंबा जाम है, गूगल मैप में अगर आप देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा। ओ भाई, ये जाम से ज़्यादा ना गर्मी परेशान कर रखी है। और मैं कपड़े तो पहन कर आया था साफ, बट हो चुका है यहाँ पे गंदा। अब मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि कोई भी देखेगा तो मेरे को यही बोलेगा कि भाई कपड़ा तो कितने दिन से धोया नहीं। अगर आपको दिख रहा होगा तो आप देखो।
ओके सो हम लोग पहुंच चुके हैं जहानाबाद और यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी कर दी है क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग चल रहे थे। गाड़ी हमारी चल चुकी है 269 किलोमीटर और बाइक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है अभी तक से। राधिका वहाँ पे आइसक्रीम खा रही है, कैसा लग रहा है राधिका? अच्छा लग रहा है, थक गई बैठे बैठे? हाँ अच्छा, आराम से खाओ, अब यहाँ से बस थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है? तो अभी कुछ देर यहाँ से आइसक्रीम खाएंगे हम लोग। DSLR बैग में है और एक छोटा सा बैग जो था वो मैं दे दिया कार में, तो इसलिए DSLR नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो बस कुछ देर में पहुँचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और ये बच्चे लोग सब मछली पकड़ रहे हैं और कूद कूद के कुछ लोग नहा भी रहे हैं, पानी थोड़ा गंदा है लेकिन मछली पकड़ रहे हैं सब लोग। देखो गाँव का लोग किस तरह से सर्वाइव करता है, छोटा छोटा घर रहता है, पूरा घर ये सब टूट गया है लोग का, देखो ये पूरा। नहीं नहीं बाढ़ नहीं, रोड जो है ना इसको और चौड़ा करेगा, इसलिए घर सब तोड़ दिया है, घर दुकान जितना भी है इधर वाला भी सारा तोड़ा हुआ है। वो लोग को या तो दूसरा जगह ज़मीन दिया जाता है रहने के लिए और नहीं तो ये लोग खुद अवैध कब्जा करके घर बना लेता है। तो जिसका ज़मीन होता है उसको दूसरा जगह मिल जाता है और जो अवैध कब्जा करके बनाता है उसको ज़मीन नहीं मिलता है। देखो पूरा घर ये सब टूटा हुआ है। मैं अभी पहुंच चुका हूं मसौढ़ी और यहां से मेरे को थोड़ा रास्ता कन्फ्यूज़न हो रहा था इसलिए मैं रुका हुआ था। अभी चलते हैं यहां से, यहां से करीब ज़्यादा दूर नहीं 10-15-20 किलोमीटर होगा, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है बट अप्रोक्स उतना ही होना चाहिए। और रोड ठीक ठाक है, पता नहीं आगे कैसा रोड होगा मेरे को नहीं पता है, तो चलो चलते हैं आगे देखते हैं क्या सीन बनता है। ये रोड जो अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा बुरा होता है यार, बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ ना, लद्दाख से कम थोड़ी लग रहा है ये रोड। लद्दाख क्या जाना, इधर ही चला लो गाड़ी, लद्दाख जैसा फील आ जाएगा। नीतीश कुमार सर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ऐसी हालत कर दिया आपने रोड का। एवेंजर 220 स्ट्रीट के साथ ऑफ रोडिंग का मज़ा लेते हुए मैं चल पड़ा। एक्चुअली यहाँ से पूरा का पूरा रोड ही ख़राब है मेरे हिसाब से, क्योंकि कहीं दूर दूर तक मेरे को अच्छा रोड नज़र नहीं आ रहा है, और अगर रोड ठीक ठाक होता तो गाड़ियाँ इधर से आना जाना करती, लेकिन गाड़ियाँ नहीं आना जाना कर रही, इसका मतलब यही है कि रोड बहुत ख़राब है। गाड़ी आ रही है जा रही है बट कम। बीच वाले में चलाने में ज़्यादा फ़ायदा है। वायलेंस देख रहे हो भाई का, वायलेंस। ऐसे रोड में बाइक बहुत जल्दी पंचर होते हैं और मेरे को डर है कहीं मेरा बाइक पंचर ना हो जाए, क्योंकि जो टायर है ना वो पुराना ही लगा हुआ है, जब से नया जो लगकर आया था वही लगा हुआ है, अब तक से टायर कभी चेंज हुआ ही नहीं, तो आवाज़ भी मेरे को उसी तरह कर रहा है। तो भाई टायर सही सलामत रहना, ऐसे रोड में टायर बचते नहीं हैं, पूरा का पूरा ऑफ रोडिंग है ये। चलो एक बात तो बहुत बढ़िया है कि एवेंजर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है इसलिए मैं इजीली चला ले रहा हूँ, नहीं तो कोई और बाइक होती तो मेरे को बहुत परेशानी होती। एक्चुअली मैं मध्य प्रदेश से रांची सबसे लॉन्ग राइड किया था करीब 400 किलोमीटर का, और वो पल्सर 150 से किया था जो कि बहुत ही हैक्टिक राइड हो गया था हम लोगों का। इवन वो हम लोग सुबह ही निकले थे और करीब 9 बजे रात को घर पहुंचे थे रांची, तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा हैक्टिक था। एक्चुअली रोड इससे काफ़ी अच्छा रोड था, बहुत अच्छा रोड था, बट वो बाइक कंफर्टेबल बाइक नहीं है लॉन्ग राइड के लिए, तो बिल्कुल नहीं है। वो एक स्पॉटी बाइक है और स्पॉटी बाइक में बस वही चीज़ होते हैं कि आप सिटी में चला सकते हो या रेस वेस करना हो छोटा मोटा तो उन सब से कर सकते हो, स्टंट कर सकते हो छोटा मोटा, वो सब चीज़ का है, बट लॉन्ग राइड के लिए मेरे लिए तो बेस्ट है एवेंजर। और इससे भी हाई रेटेड में जाओगे, हाई प्राइस में जाओगे तो आपको और भी बाइक्स मिल जाएंगे अच्छे अच्छे, लेकिन फ़िलहाल मेरे लिए जो बजट है उस बजट के अकॉर्डिंग में ये बाइक मेरे लिए बेस्ट है।
और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि उस बजट तक में अगर आप लोग भी जाना चाहते हो तो एवेंजर ले सकते हो, अगर लॉन्ग राइड करना चाहते हो तो, नहीं तो फिर भाई कोई भी ले सकते हो आपका जो मन करे। तो बस और कुछ नहीं, ये रोड जा रही है, पीछे आगे पीछे खेत है, इधर भी खेत है, छोटे छोटे घर है, गांव जैसा माहौल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, गांव जैसा फील आ रहा है। आगे चलते हैं, देखते हैं ये इस तरह का लद्दाख वाला रोड और कहां तक हमें मिलता है। तो यहां पे गांव का बाज़ार कुछ ऐसा होता है, अब देख रहे हो फ्रूट्स वगैरह सब कुछ मिल रही है यहाँ पर, और सब कुछ है, हर चीज़ मिल रहा है। मेरे हेलमेट में जो कैमरा लगा हुआ है ना GoPro को लोग इस तरह से देख रहे हैं ना, सोच रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। बहुत से लोग जहाँ पे भी जाम में फंसे थे वहाँ पे भी लोग देख रहे थे, और इधर भी वैसे ही देख रहे हैं, और किसी ने तो पूछा भी था कि भैया ये क्या लगा हुआ, तो हमने बताया कि कैमरा है भाई। तो एक्चुअली उस टाइम मेरा कैमरा ऑफ था, तब जब आइसक्रीम हम लोगों ने खा रहा था तभी पूछा था उसने। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत लोगों ने पूछा है कि ये क्या लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है, ये किस काम का है, तो बहुत लोगों को बताना पड़ता है। किसी किसी को जब समझ में आ जाता है, किसी किसी को नहीं आता है, तो थोड़ा अच्छे से समझाना पड़ता है। तो बस गांव में आए तो इस तरह का रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, तो बस यही है। और अभी हम लोग निकल गए वहाँ से, और कुछ दूर पे है अपना गांव, और अभी हम लोगों को थोड़ा दूर और जाना है। बस रोड ख़राब है इसके वजह से और भी ज़्यादा लेट हो रहा है, अगर रोड ठीक ठाक होता तो अब तक हम लोग पहुँच गए होते हैं। रोड यार लिटरली कह रहा हूँ, रोड सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा ख़राब हो गया होगा रोड, रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसका दो रूट है, एक तो पटना होकर के आया जाता है यहाँ पर, दूसरा है कि ये रूट है, तो पटना वाला थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है उसका, तो यही रूट हम लोगों ने पकड़ा मसौड़ी से डायरेक्ट इधर से होते हुए। अभी जाएंगे बेलदारी चक से फिर एक लंगड़ी खजूर नाम का जगह है, वहाँ से फिर हम लोग टर्न लेंगे राइट, राइट लेने के बाद फिर चले जाएँगे मोहिउद्दीनपुर, तो वही मेरा गाँव है, उसी गाँव में हम लोग रहते हैं। चलो वहाँ चलते हैं और देखते हैं क्या है नज़ारा। ये है बेलदारी चक, और अपना बचपन इधर ही इसी मार्केट में गुजरा करता था, और ये यही रास्ता था अपने गाँव आने जाने का पहले, बट अभी दूसरा रास्ता बन चुका है और पूरा बदल सा गया है। पहले एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं था, अभी पूरा का पूरा बदला हुआ है। जो मैं आपको रास्ता दिखाया ना वही रास्ता हमारे गांव की तरफ जाता था, अब तो ये हाईवेज़ वगैरह बन गया है तो वो भी गांव की तरफ ही जाता है, बट ये पहले नहीं था। और ये वाला रास्ता अभी मेरे गाँव से थोड़ा दूर पड़ जाता है, इसलिए इस रास्ते से मैं नहीं जा रहा हूँ।